हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो झारखंड उत्पाद सिपाही, दरोगा, पुलिस जैसे सीजीएल सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारा प्रश्न है कहीं एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एक निचला बादल यानी लो फ्लाइंग क्लाउड है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया होगा, उसे बताना है कि कौन जो है वो सबसे निचला बादल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? कोहरा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, वो कौन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, सतह क्षेत्र के, यहाँ पर देश दिया हुआ, खाली स्थान है, से वाष्पीकरण के दर बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि सतह क्षेत्र के देश से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बढ़ने से, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा कि सतह क्षेत्र के क्या से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो बढ़ने से। अगर सतह के क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जब हम कपड़ा को सुखाते हैं तो उसको हम पूरा फैला देते हैं, तो फैलाने से क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसको फैला दिए, उसको हम बढ़ा दिए, तो बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो जल्दी कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? बताना है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2 होता है। दोस्तों जो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो एक अकार्बनिक यौगिक है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, यहाँ दिया हुआ है डैश, खाली स्थान दिया हुआ है, को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन, उसमें से बताना है कि इसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, मशरूम खमीर डैश का उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण बताना है, जो मशरूम और खमीर है वो किसका उदाहरण है? ये देखना है जो मशरूम है, ठीक है, और जो खमीर है वो सेफ्रोफाइट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेफ्रोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बता दूँ, सेफ्रोफाइट्स एक प्रकार का मृत जीव होता है, मृत जीव को ही हम लोग सेफ्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों बता दो, जो मशरूम है ये एक मृत जीव ही है। मशरूम क्या? एक मृत जीव ही है। यह कवक से पोषण प्राप्त करता है, जो मशरूम होता है ना वो कवक से अपना पोषण प्राप्त करता है। अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए, केनाइन और मोलर दांतों के बीच स्थिर दांत डैश है, यानी कौन सा है? बताना है केनाइन और मोलर दांतों के बीच स्थिर दांत कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रीमोलर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रीमोलर। प्रीमोलर ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको हम लोग अग्रचौवर्णक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है इसका हिंदी में, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है। कोई हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रचौवर्णक इसका हिंदी होता है। तो ये बता दूँ, ये जो प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर जो है, इसका जो संख्या होता है दांत का, ये 8 होता है टोटल। 8 दांत हमारे पास पाया जाता है प्रीमोलर का। ये दांत क्या करता है? ये दांत चबाने वाले दांत होते हैं। अब देखेंगे तो हल्का चौड़ा होता है, जो हम लोग चबाते हैं साइड साइड में होता है, वही दांत होता है प्रीमोलर। ये चबाने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, डैश गर्मी का खराब कंडक्टर है, कौन सा है जो गर्मी का सबसे खराब कंडक्टर है? तो वह दोस्तों ऊन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन जो है ऊष्मा का सबसे खराब संचालक होता है, यानी खराब कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं अगला नंबर। अगला है, प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो छोटे चीज़ों के अंदर होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो छोटे चीज़ों के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक जो है स्थान होता है?
तो वो होता है गैस। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए गैस जो होता है वो जल्दी उड़ जाता है क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो अणुओं के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तुरंत वो उड़ जाता है। अब देखते हैं गैस को छोड़ दिएगा तो तुरंत निकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप घर में खाना बनाते हैं अगर वो गैस को भी आप खुला छोड़ दीजिएगा, देखिएगा वो उड़ के ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके बीच का कणों का दूरी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, देश दिया हुआ है, एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पादन करता है, कौन है, ठीक है। तो वो है दोस्तों स्वपोषी, स्वपोषण जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषण एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों के जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पादन करता है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला नंबर है, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह डैश रंग में बदल जाता है, यानी कौन सा रंग में बदल जाता है जब हम आयोडीन को स्टार्च में डालते हैं, ठीक है। तो वो है दोस्तों नीला बदल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि जब हम आयोडीन को स्टार्च में डालते हैं तो वो नीला रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। अगला है, फिर यहाँ डैश दिया हुआ है, बोला कि पानी में घुलनशील वसा है, कौन सा वो पानी में घुलनशील है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिपिड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिपिड है वो पानी में घुलनशील वसा है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है नेक्स्ट नंबर, फिर डैश दिया हुआ है, मिट्टी जो जीवित जीव जैविक सामग्री और खनिजों से बना होता है, तो बताना है डैश दिया हुआ उसमें क्या वहाँ पर आएगा, आपको आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊपरी परत। क्या होगा? ऊपरी परत। ऊपरी परत में जो जीवित जीव होता है या जैविक सामग्री और खनिज होता है वो बना होता है, ऊपरी परत में ही होता है। जितना जीव जंतु रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपरी, सबसे ऊपरी परत में ही तो रहता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। अगला है, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है बताना है, क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है बताना है। यहाँ डैश दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है, ठीक है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। कितना होता है, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखिएगा, सेट मारिएगा तो आपको ये सारा प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है, जब आयरन ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है बताना है। जब आयरन ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या होता है या क्या बनता है? तो आप सभी को पता होगा उस समय जंग लग जाता है। अब देखते होंगे कोई भी अगर धातु वाला चीज़ है, अगर उसको आप कोई भी आयरन है उसको आप छोड़ देते हैं खुला में, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी जो आद्र होता है पानी के संपर्क में आता है, क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क डैश के द्वारा संरक्षित रहता है, यानी मस्तिष्क जो होता है वो किसके द्वारा वो संरक्षित रहता है, कौन उसको जो है वो सुरक्षा देता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसका सुरक्षा कौन करता है? तो किसको पता नहीं है, वो खोपड़ी तो है जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा करता है। खोपड़ी जो होता है ना वो हड्डियों से बना होता है, ठीक है। खोपड़ी किससे बना होता है? हड्डियों से बना होता है, जो कंकाल तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है। कई जीव जंतुओं के सिर में पाई जाती है, यह मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आप सभी जानते हैं खोपड़ी क्या होता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आते हैं हम लोग अगला नंबर। अगला है, जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर ऊंच हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बताना है। जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर ऊंच हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों रखना है उसे हम लोग बायोम फिलिमिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है, इसका सही उच्चारण होगा बायोमाफिलिफिक्शन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न। अगला है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, बता रहा है पूछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, यानी किस में हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो सितारे की तरह चमकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीलियम। हीलियम में हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो सितारे की तरह चमकता है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लास्ट, उर्स मेजर एक डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उर्स मेजर किसका उदाहरण है? आपको देखना है जो उर्स मेजर है वो ये मंडल तारा मंडल का उदाहरण है, ठीक है। मंडल तारा मंडल का एक उदाहरण है उर्स मेजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर मेरे चैनल ने पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।